दोस्तों ऑटोमेटिक गाड़ियों पे लोगों के बहुत सवाल है। जैसे अगर मैंने गाड़ी टिप्ट्रॉनिक पे डाल दी और यहाँ पे जैसे गियर दिखाता है वो, तो अगर मैं पांचवें गियर में जाऊँ या तीसरे गियर में जाऊँ तो क्या मुझे ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो मैं इसका बहुत सिंपल जवाब देता हूँ। अगर आप नॉर्मल गियर डाउन करते हैं मैनुअल में, तो उस केस में क्या आप हर बार ब्रेक दबाते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ से एक गियर ऊपर जाता हूँ या एक गियर नीचे जाता हूँ, मुझे ब्रेक दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये आप सिर्फ इसको ऊपर ले जाके या नीचे ले जाके पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको डाउट क्लैरिफाई हो सके कि ऑटोमेटिक कैसे चलती है। अगर आपके पास और भी ऐसे डाउट्स हैं ना, आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछो, या फिर आप कहो हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाएंगे इन YouTube शॉर्ट्स।